ये है दिल्ली दर्पण। बाकी सभी लोग हम दाता होंगे हत्यारों अडानी पानी के नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। इस वक्त जो चर्चा होनी थी नॉर्थ एमसीडी के सदन के अंदर वो होनी थी, जो बजट पेश किया गया था उसके ऊपर, लेकिन हाउ हंगामा हुआ। अखिलेश पति त्रिपाठी जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, वो अपना पक्ष रख रहे थे, क्योंकि जो बजट रखा गया था उसके अंदर जो चर्चा होनी थी वो होनी थी, लेकिन एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ाए। पहले नेता विपक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, विकास गोयल, उनसे बात करते हैं। विकास जी, आप सभी को अब बर्खास्त कर दिया गया है सदन से, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, आम आदमी पार्टी के सदस्यों को तो रोज़ बर्खास्त कर देते हैं, उस बर्खास्तगी से हम डरने वाले नहीं हैं, और ना ही हमें सस्पेंड करके और बर्खास्त करके ये दिल्ली की जनता की आवाज़ को दबा सकते हैं, ना आम आदमी की आवाज़ को दबा सकते हैं। हमारा संघर्ष दिल्ली की जनता के लिए, एमसीडी कर्मचारियों के लिए हमेशा जारी था, जारी है और जारी रहेगा। सस्पेंड करके हमारी आवाज़ को ये नहीं दबा सकते। लेकिन चर्चा होनी थी, चर्चा को किसी सार्थक तरीके से किया जाना चाहिए था, लेकिन हंगामा होना तो कहीं ना कहीं सदन की गरिमा को ठेस पहुँचाता है। देखिए, मेयर एक संवैधानिक पद है, ये किसी पार्टी का पद नहीं है। जब जो भी व्यक्ति मेयर की चेयर पर बैठा है उसकी जिम्मेदारी है हाउस को ढंग से चलाना, सभी पार्टियों के माननीय सदस्यों को बराबर मौका देना, सबकी बातों को सुनना, ना कि एक पार्टी का प्रतिनिधि बनके वहाँ तानाशाही करना, गुंडागर्दी करना। जब आपने देखा आज भारतीय जनता पार्टी के पार्षद कुछ भी बोले जा रहे थे, दिल्ली सरकार के बारे में कुछ ही बोले जा रहे थे, उनको नहीं रोका गया। कांग्रेस के पार्षद कुछ ही बोले जा रहे थे, उनको नहीं रोका गया। आज जब हमारे माननीय विधायक अखिलेश जी एक एक ब्यौरा बार बता रहे थे, वो हर रोज पूछते हैं दिल्ली सरकार से आपका प्रतिनिधि नहीं आते जी, उन्होंने ब्यौरा नहीं दिया, आज दे रहे थे ना। अखिलेश जी वहां पे खड़े होकर 2012-13 से आज तक आंकड़ा बता रहे थे, इनका माइक बंद कर दिया। मतलब एक एक माननीय सदस्य है और जो कि माननीय विधायक हैं और जो बड़ी अपनी जिम्मेदारी समझकर यहाँ बजट में चर्चा करने आए, उनका माइक बंद करना है मेरे का अधिकार? आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भी इस तरह के हंगामा करती है, कांग्रेस पार्टी तो बहिष्कार करके चली गई है सदन का, कह रही है इस हंगामा के बीच में तो चर्चा ही नहीं हो सकती है। कांग्रेस की मजबूरी है, कांग्रेस के पास अब अस्तित्व बचा नहीं, कुछ कहने को करने को बचा नहीं, वो तो बीजेपी की बी टीम बन के रह गई है। आपने देखा परसों जब मुकेश गोयल जी ने भाषण दिया तो ऐसा लग रहा था जैसे बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं बचा। लेकिन डिंपल जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, ये हमारे माननीय विधायक है, आज एक परंपरा बनी है कि एमसीडी के सदन में विधायक आते हैं जिनको एलजी नॉमिनेट करता है और सांसद आते हैं जिनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। क्यों करता है? ताकि ये समस्याएं सुने और दिल्ली सरकार तक पहुंचा सके। एमपी आते हैं, समस्याएं सुने, भारत सरकार तक पहुंचा सके। हमारे एमएलए रेगुलर आते हैं, अपनी समस्याएं रखते हैं, हाँ, यहाँ की समस्याएं दिल्ली सरकार तक लेके जाते हैं, दिल्ली सरकार की बात यहाँ रखते हैं और इनके साथ ऐसे शुरू किया जाता है। जब आप ही और बड़े शर्म की बात है, दिल्ली की जनता जिन सात एमपीओं को, सांसदों को चुना था, उनमें से आज तक भी एक भी इस हाउस में नहीं आया। सातों मेंबर है, एक भी इस हाउस में नहीं आया। क्या दिल्ली की जनता ने उन्हें गुनाह कर दिया उन सात को सुन के? क्या दिल्ली की समस्या के लिए एक बार भी नहीं आए? उन सातों सांसदों ने आज तक सदन में, पार्लियामेंट में कभी दिल्ली की जनता के लिए आवाज़ नहीं उठाई, निगम के फंड के लिए आवाज़ नहीं उठाई। उन तो सांसदों को चुनकर दिल्ली की जनता ने गलती कर दी, तो अगर हमारे विधायक आवाज उठाते हैं केंद्र से मिलने वाले, आपने इस चीज के ऊपर बोला केंद्र से जो फंड मिलता है वो दिल्ली की नगर निगम को नहीं मिला, बाकी और को मिल रहा है, लेकिन इसके ऊपर मेयर जो आवाज नहीं उठाते हैं, अखिलेश पति त्रिपाठी जो कि आप ही के विधायक, उन्होंने इस बात पर चर्चा की है, क्या कहेंगे इसके लिए? जब गुड़गांव को मिलता है, नोएडा को मिलता है, मेरठ को मिलता है, फरीदाबाद को मिलता है, लखनऊ को मिलता है, तो हमारी दिल्ली को क्यों नहीं मिलेगा? और सबसे उससे बड़े आश्चर्य की बात, डिंपल जी, ये कहते हैं यूटी को, पूरे देश में तीन ऐसी जगह है जहाँ पे यूडीपी है, यूटी भी है और लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, विधानसभा भी है, पांडुचेरी, दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर। इस बजट में, केंद्रीय बजट में जम्मू कश्मीर को 30,000 करोड़ रुपए मिले हैं और पांडुचेरी जहां की जनसंख्या सिर्फ 15 लाख है उसको 1800 करोड़ रुपए मिले हैं और दिल्ली जहां की जनसंख्या 1,90,00,000 है सिर्फ 325 करोड़ रुपए। अनदेखी का क्या कारण मानते हैं? दिल्ली की अनदेखी का कारण जो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता ने लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बनाया है, ये दिल्ली की जनता से बदला लेना चाहते हैं। और उससे बड़ी बात कहना चाहता हूँ डिंपल जी, केंद्र सरकार ने तो जो किया वो किया, किसी दिल्ली के सांसद ने वहां आवाज नहीं उठाई। हमारे मेयर साहब अरविंद जी को सुबह उठते एक लेटर लिखते हैं, शाम को सोते हुए लेटर लिख देते हैं, रात को जाग खुलती है तो लेटर लिख देते हैं। एक बार अपने प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री को नहीं लिख सकते कि निगम के लिए आप दिल्ली को भी तो सबको दे रहे हो? तो उनको शर्म आनी चाहिए, ये राजनीति करते हैं गंदी राजनीति। बात कर लेते हैं अखिलेश पति त्रिपाठी से, क्योंकि आज जो चर्चा कर रहे थे उसके बाद ही हंगामा शुरू हुआ, तो जानते हैं अखिलेश जी, पहले तो हम जानना चाहेंगे हंगामा कहां से शुरू हुआ, क्योंकि सभी ने देखा कि आप अपना जो रखना चाह रहे थे अपनी तरफ से चर्चा के अंदर वक्तव्य, लेकिन उसके बाद जो चीजें हुई वो उलटफेर हो गई।
देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए निष्पक्ष व्यक्ति को जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, मेयर उस कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है। बजट पर चर्चा हो रही थी, आम आदमी पार्टी का नंबर आया, उसमें दिल्ली सरकार की तरफ से जो इन्होंने आपत्ति जताई थी, दिल्ली सरकार पर जो आरोप लगाए थे उस पर खंडवार मैंने चर्चा करना शुरू किया, उस पर जवाब देना शुरू किया। मैंने कहा कि भाई 488 रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से देश के सभी नगर निगमों को केंद्र सरकार से सहायता राशि मिलती है, वो पिछले 10 सालों से दिल्ली नगर निगम को क्यों नहीं मिला, जिसमें पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी नगर निगम आती है। मैंने ये भी बताया कि ये 488 रुपया जब गुड़गांव NCR का हिस्सा है वहाँ की नगर निगम को मिल सकता है, फरीदाबाद को मिल सकता है, NCR में गाजियाबाद को मिल सकता है, पुडुचेरी को मिल सकता है, कश्मीर में मिल सकता है जो केंद्र शासित प्रदेश है, तो दिल्ली के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इस बुक में जो बजट का बुक है इसमें वो दिल्ली के लोगों का हिस्से का 10,000 करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार से 488 रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से मिलना चाहिए था, 12,000 करोड़ रुपया क्यों नहीं लिखा है इसमें, मैंने सवाल किया। इस पर इनको मिर्ची लग गया, इन्होंने कहा था कि चौथा वित्त आयोग दिल्ली सरकार ने लागू नहीं किया नगर निगम का। मैंने कहा हम संकल्पित हैं कि लागू होना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने जो दिल्ली सरकार का चौथा वित्त आयोग लागू नहीं किया उसको आइए चलिए हम सब मेयर मिल करके और सारे पार्षद चल कर माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करते हैं कि दिल्ली सरकार का चौथा वित्त आयोग लागू करें, जिसमें 25,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार को मिल रहा है, उसको जिस दिन लागू होगा उसके 24 घंटे के अंदर दिल्ली सरकार चौथा वित्त आयोग जो है नगर निगम का लागू करने का काम करेगी। 2600 करोड़ रुपए आपने की बात चर्चा करी है यहाँ पर और तीनों निगमों की बात करी। मैंने बताया कि वहाँ पर मैंने कहा कि देखिए दिल्ली सरकार ने पिछले सरकारों की तुलना में, मैंने जब ब्यौरा देना शुरू किया कि 2012-13 में जहाँ पर 1400 करोड़ रुपया कांग्रेस की सरकार में मिलता था नगर निगमों को, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की 13-14 में सरकार थी वहाँ पर 1500 करोड़ रुपया मिलने का काम हुआ, हमारी सरकार आई 15-16 में वहाँ पे उसको 2600 करोड़ रुपया करने का काम किया, उसको फिर 2900 करोड़ रुपया करने का काम किया, उसको 3100 करोड़ रुपया करने का काम किया, और इस कोरोना की महामारी के काल में भी इतना बजट कम होने के बावजूद 2990 करोड़ रुपया इस साल भी दिल्ली की सरकार ने देने का काम किया नगर निगमों को। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी ये सदन नॉर्थ MCD का था तो चर्चा नॉर्थ MCD के बजट पर और उसको कितनी लेनदानी आपकी बनती है उस पर होनी चाहिए, आप पूरे निगम की बात कर रहे हैं। मैं तो अपनी बातें रख ही रहा था, अभी तो मेरे पास पर्चा भी मैं दे देता हूं, उसमें एक एक ब्यौरा है, पहले दिल्ली सरकार ने टोटल कितना दिया, खंड वाइज कितना दिया, उस पर चर्चा ही कर रहा था, इनका खुलासा तो हो रहा था। हमने चर्चा किया, प्रश्न पूछा कि 2100 करोड़ रुपया जो 2500 करोड़ रुपया आपने माफ कर दिया साउथ दिल्ली MCD का, वो इस बही खाते में क्यों नहीं है, जो सफाई कर्मचारियों का तनख्वाह का पैसा था, जो डॉक्टरों का तनख्वाह का पैसा था, जो टीचरों के तनख्वाह का पैसा था, निगम के कर्मचारियों का पैसा था, वो 2500 करोड़ रुपया वो क्यों नहीं है इस खाते में। हमने पूछा जो पार्किंग माफियाओं का आपने पैसा माफ़ कर दिया ठेकेदारों का, वो पैसा जो कर्मचारियों का था नगर निगम के, वो इस बुक में क्यों नहीं है नगर निगम के, तो इस पर इनको मिर्ची लग गया। किराड़ी के ऊपर भी सवाल उठे हैं कि किराड़ी में आप ही के विधायक हैं। मेरा माइक बंद करने का काम किया उन्होंने, मेरा माइक बंद करके मेरे को, मैंने 15 मिनट अभी हुआ था चर्चा का शुरू हुए, 10 मिनट हुआ था, 10 मिनट भी नहीं हुआ था, 10 मिनट बोला था जिसमें 20 मिनट मेरे लिए आरक्षित था। आप किस बात से डर रहे थे, क्योंकि आप जो गुमराह कर रहे थे दिल्ली की जनता को उसका खुलासा हो रहा था। किराड़ी के लिए भी उन्होंने आवाज उठाई है कि किराड़ी के जो विधायक हैं वहाँ पे कोई काम नहीं करा रहे हैं, आप उस जगहों पर नहीं देखते हैं, उनकी चीजों की आवाज नहीं उठाते। सूप बोले तो सूप चलनी बोले, जिसमें 72 छेद, ये अपने चरित्र को देखें, वो वही किराड़ी है जहाँ पर पिछले 5 सालों में, ये हम नहीं बोल रहे हैं, CAG भी बोलती है, सारी संस्थाएं बोलती हैं कि उस किराड़ी में 90% जो बदहाल हालत था उसको ठीक करने का काम केवल और केवल दिल्ली सरकार ने किया, नगर निगम में 1 रुपया लगाने का काम नहीं किया। 10% हिस्से में जहाँ भी काम होने की ज़रूरत है वो काम के लिए बजट माननीय मुख्यमंत्री ने दे दिया है, बहुत जल्द काम शुरू होगा क्योंकि कोरोना की महामारी के काल में काम थोड़े धीमे रहे हैं। लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि इनको शर्म आनी चाहिए कि इस दोषारोपण से बाहर आकर के ये सबसे पहले दिल्ली को कूड़े से मुक्त करें, दिल्ली को भ्रष्टाचार, दिल्ली नगर निगम को भ्रष्टाचार से मुक्त करें, और कर्मचारियों का जो वेतन है
जिनका हक का पैसा है केंद्र सरकार ने मार के रखा है, जो संपत्ति कर जो केंद्र सरकार के अलग अलग एजेंसियों से 12-13 हज़ार करोड़ रुपया बाकी है वो ले, जो 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 देख केंद्र सरकार हमारा जो 488 रुपया के हिसाब से जो पर व्यक्ति मिलना चाहिए नगर निगम का उसको लेने का काम करें, ये जो ठेकेदारों का पैसा माफ़ कर रहे हैं, साउथ दिल्ली का नगर निगम का पैसा माफ़ कर रहे हैं, उसको जो है वसूल करके नगर निगम के कर्मचारियों को तनख्वाह देना शुरू कर दें, वरना आम आदमी पार्टी संघर्ष के लिए जो है एक कर्मचारियों के लिए खड़ी हो गई है और उनको उखाड़ के फेंकने के लिए किस संकल्प दिल। अजय शर्मा से बात लेते हैं, स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य उनसे बात करते हैं। अजय शर्मा जी, अब आप लोग सस्पेंड हो गए हैं, अगर आप सस्पेंड नहीं होते तो अपनी बात रखने का आपको और मौका मिलता, चर्चा में शामिल होने का मौका मिलता, लेकिन अब आप जितने भी सदस्य यहाँ पर पहुँचे थे लेकिन सभी आप यहाँ से सस्पेंड हो गए, अब आगे कैसे चर्चा में भाग ले पाएंगे? देखिए, हम 5वीं बार सस्पेंड हुए हैं, अगर दिल्ली में सफाई कर्मचारियों को सैलरी दिलाने के लिए सस्पेंड हो तो हम हो जाएंगे, पूरी दिल्ली कूड़ा कूड़ा हो रही है उसकी आवाज़ उठाने के लिए सस्पेंड हुए तो हो जाएंगे। आज हम बजट पर चर्चा कर रहे थे, हमारे जो कर्मचारी आज भी बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हमारे माली हो गए, हमारे डॉक्टर हो गए, हमारे टीचर हो गए, आज भी उनकी सैलरी नहीं मिल रही। आज मैंने एक माली से कहा एक पार्क साफ करना, उसने कहा सैलरी नहीं मिल रही। हम उनकी सैलरी पर चर्चा करने के लिए आए थे, हम बजट पर चर्चा करने के लिए आए थे, पर यहाँ पे आके ये दिल्ली सरकार की बात करते, ये केंद्र सरकार की बात करते, अरे हम बजट MCD पे लेके आए हैं, MCD पे चर्चा होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री की चर्चा बाद में हो जाएगी, मुख्यमंत्री चर्चा बाद में हो जाएगी, आप मुख्यमंत्री का काम गिनवाते हैं, मुख्यमंत्री जी ने यह काम अच्छा कर दिया, आप दुर्गेश पाठक जी का काम गिनवाते, दुर्गेश पाठक जी ने अच्छा काम कर दिया, अरे MCD ने क्या अच्छा काम किया, 14 साल से आप लोग बैठे, आपकी नाकामी है, आज कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रहे, पूरी दिल्ली कूड़ा कूड़ा। लेकिन विपक्ष तो बार बार आरोप लगा रहा है कि विकास गोयल जी ने जो अपना चर्चा रखी थी बजट के ऊपर उसके अंदर ज्यादातर दिल्ली सरकार की ही जो चीजें हैं उसको गिनवाने की कोशिश की थी, उसकी वाहवाही लूटने की कोशिश की थी। देखिए, मैंने शुरू से देखा है जब भी हम हाउस के अंदर आते हैं इसमें MCD की चर्चा होनी चाहिए, पर MCD की चर्चा नहीं होती, हमेशा ही दिल्ली सरकार की चर्चा करते हैं, तो उसी चर्चा को लेकर हमारे अखिलेश त्रिपाठी विधायक जी यहाँ पे आए थे, अगर आपने दिल्ली सरकार पर चर्चा करनी है तो दिल्ली सरकार का लेखा जोखा आपके सामने ले आएगी, पर ये उससे भी डर गए क्योंकि इनकी पोलपट्टी हम लोगों ने खोल दी, जितना पैसा हम लोग इन्होंने इन लोगों को दिया उतना पैसा ग्राउंड पर नहीं मिला, इन्होंने हेल्थ के लिए कुछ नहीं करा, एजुकेशन के लिए कुछ नहीं करा, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट के लिए इसमें टैक्स में चर्चा ही नहीं थी। अजय जी, आप बोलते हैं कि जो हाई कोर्ट है उसने जो बीजेपी की सरकार है उसको फटकार लगाई है, लेकिन जो बीजेपी का पक्ष है वो कहता है कि आम आदमी पार्टी को इस पे फटकार लग रही है, तो साफ कैसे हो, क्योंकि स्थिति तो साफ नहीं हो पा रही ना, जनता के सामने सही मैसेज नहीं जा पा रहा, सही खबर नहीं पहुंच पा रही कि आखिर फटकार किसे लग रही है, बीजेपी को लग रही है, आम आदमी पार्टी को लग रही है, तो कैसे साफ होगा ये सब? देखिए, बीजेपी हमेशा झूठ बोलती आई है, अच्छे दिन भी आ गए, 15 लाख भी आ गए, सबके अकाउंट में पैसे पहुंच गए, सबके अच्छे दिन आ रहे हैं अडानी अंबानी के अलावा, तो बीजेपी जब भी बोलती है वो झूठी बोलती है और यहाँ भी झूठ बोल रही है, और जब भी बीजेपी ने कुछ कहा, बीजेपी ने कहा सैलरी दे दी, उस दिन मेयर साहब ने चिल्ला चिल्ला के कहा इसकी भी सैलरी पास, इसकी भी सैलरी पास, उसकी भी सैलरी पास, कहाँ पहुँच गई सैलरी जी, किसके अकाउंट में पहुँच गई, किसके खाते में पहुँच गई, तो यहाँ पे ये बैठे हुए हैं, इनका सदन बैठा हुआ है, 14 साल से बैठे हुए, ड्रामेबाजी करने की इनकी आदत है और ड्रामे करते हैं। अजय जी कह रहे हैं कि सैलरी नहीं पहुँची है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो हड़ताल खत्म हुई है वो कैसे, किस बिहाव पे खत्म हुई है? देखिए, दिल्ली सरकार ने 1045 करोड़ रुपये इनको दिए, उससे इन्होंने सफाई कर्मचारियों की सैलरी दी है सिर्फ, बाकी कर्मचारियों को 1-1 महीने की सैलरी दी, अभी बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं इनकी 4-4 महीने की सैलरी बाकी है, लेकिन यूनियंस ने, सफाई कर्मचारियों ने दिल्ली वासियों की तकलीफ को देखते हुए एक उन्होंने अपने आप खोली है, इन्होंने कोई एहसान नहीं किया, उनकी अभी भी सारी मांगे सैलरी अभी भी बाकी पड़ी है, और वो भी तनख्वाह वो दी है जो दिल्ली सरकार ने इनको 1045 करोड़ रुपये दिए। सैलरी का माहौल अभी आपने देखा होगा, जब मेरे सामने हमें सस्पेंड किया और बाउंसर हमें बाहर निकाल रहे थे, तो मैंने बाउंसर से पूछा आपको सैलरी मिल गई, तो उन्होंने सुना होगा क्या कही, नहीं 4 महीने से नहीं मिले, हमारी मजबूरी है, लेकिन मेरे सामने कहा तो निकालना पड़ेगा। ये चीज़ दिखाती है आने वाले 1 साल में दिल्ली में क्या बदलाव होने वाला है, हर दिल्लीवासी हर कर्मचारी बिल्कुल बीजेपी तंग हुआ बैठा है, इंतजार कर रहा है कब चुनाव हो, कब इनको यहाँ से धक्के दे के बाहर निकाले और आम आदमी पार्टी आए और दिल्ली की जनता का और MCD का भला हो सके। विकास जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जिस वक्त ये पूरे हंगामा होता है सदन के अंदर, चर्चा तो हो नहीं पाती है, आरोप ये लगा है कि आम आदमी पार्टी हर बार इस तरह की स्थिति पैदा करती है कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो और इस तरह से हंगामा जो बरपे उसके बाद चर्चा ना हो, तो क्या सदन के अंदर चर्चा नहीं होने की मंशा आम आदमी पार्टी की है? आप हाउस कवर करते हैं, आप हमेशा देखते हैं कि आम आदमी पार्टी कब चर्चा से भागती है, आम आदमी पार्टी तो कह रही है चर्चा करो, लेकिन आप केजरीवाल जी के बारे में कुछ भी कहेंगे, आप दिल्ली सरकार के बारे में कुछ भी कहेंगे, लेकिन जब हम जवाब देंगे जवाब नहीं सुनेंगे, ये कहाँ तरीका हुआ? और मेयर का जो संवैधानिक पद है, मेयर का ड्यूटी बनती है हाउस को चलाना, सबको बराबर मौका देना, लेकिन वहाँ मेयर बन के नहीं बैठे, वहाँ बीजेपी के पार्षद बन के बैठे हैं, और ये दुर्भाग्य की बात है, मेयर जैसे संविधान पद को जिसको दिल्ली का प्रथम नागरिक कहा जाता है, आज बीजेपी ने उस पद की गरिमा को बिल्कुल धूमिल कर दिया है।
ये थे विकास गोयल, नेता विपक्ष थे, उनसे हमने चर्चा की। जो अंदर स्थिति हमने देखी वो बेहद ज़्यादा शर्मनाक थी, क्योंकि बजट जो कि साल 2021-22 का बजट था नगर निगम का, उस पर चर्चा होनी थी, लेकिन चर्चा की जगह हंगामे की भेंट एक बार फिर चढ़ा। अखिलेशपति त्रिपाठी अपनी तरफ से अपनी बात रख रहे थे, बजट के ऊपर अपना पक्ष रख रहे थे, लेकिन हंगामा भरपा और उसके बाद कांग्रेस दल के जो नेता हैं वो अपने सभी पार्षदों के साथ बहिष्कार करके सदन से बाहर चले गए। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन सोनू के साथ मैं डिंपल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर